खत्म कर दिया भाई ने जल्दी जल्दी। तो हेलो भाई, आप सभी का स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो भाई आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि इंटरेस्टिंग होने वाला है तो बता ही देता हूँ। मैं नहीं मानता। और तो अभी क्या बोलते हैं, मैं घर पे अकेला हूँ इस टाइम पे। वैसे मेरी फट रही है बहुत ज्यादा भूतों से, पर बजरंग बली की जय बोल बोल के रह रहा हूँ मैं इस कमरे में, इस घर में सॉरी। और गेट के पीछे कोई नहीं, कोई भी नहीं है, क्योंकि यार ये भूत प्रेत जो होते हैं ना गेट वेट के पीछे होते हैं थोड़ा डराने बनाने के लिए, या फिर कहीं और होते हैं। तो मैं घर में अकेला हूँ उस टाइम पे। अभी मैं ढूंढ रहा हूँ अपने वर्कआउट से पहले खाने की कुछ मील, प्री वर्कआउट मील, बट मुझे कुछ मिल नहीं रहा घर के अंदर, क्योंकि मम्मी नहीं है। मम्मी होती तो मम्मी दे देती, पर मम्मी है नहीं इस टाइम पे, मम्मी कहीं गई हुई है। सो क्या बोलते हैं, ढूंढना पड़ेगा कुछ ना कुछ। और पापा भी नहीं घर पे, पापा अपने ऑफिस के काम से गुड़गांव गए हुए। तो मैं कुछ ढूंढता हूँ, अगर मिलता है तो। वैसे कुछ मिल तो रहा नहीं है यार, आज कॉफ़ी पी के काम चलाना पड़ेगा। चलो चलते हैं जिम के लिए। ओके जी भाइयों, आप सबको मिलवाता हूँ अपनी गायों से। चलो भाई चलते हैं जिम के लिए। शिवम के घर पे आया हूँ, ये देखो। शिवम के घर पे आया हूँ उसे लेने के लिए, तो ये दोनों जाएंगे साथ में। शिवम आ जा, मेरे से आँख नहीं मर जाती यार, ऐसे होता मेरे से ऐसे। ये मेरे में कोई डिसऑर्डर है क्या, मेरे को कमेंट नहीं बताओ, क्योंकि मेरे से आँख नहीं मर जाती। मैं आँख मारता हूँ तो आँख पूरी मीच देता हूँ, ऐसे हो जाती है। आज बाहर बहुत तगड़ा मौसम हो रहा है, वो मूत्रा सामने देखो, आज बहुत तगड़ा मौसम हो रहा है आज बाहर, अलग ही लेवल का। क्या मारेंगे सीमा बैक बैक बैक। तो भाई जिम पहुंच चुके हैं, आज जिम में करेंगे बैक वर्कआउट। और अभी दातू रमन वमन सब होंगे, उनके सबसे मिलवाते हैं आपको। और बाकी बने रहिए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। चलो जो पानी से नहाएगा वो लिबाज बदलेगा, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन इतिहास बदलेगा। भाई आज हर्ष भाई में बताएंगे कि वो जब जिम आते तो कौन सी एक्सरसाइज पहले करते, बताओ भाई। जिंदगी में कुछ इस कदर मैं खुद को बर्बाद करता हूँ, जिंदगी में कुछ इस कदर मैं खुद को बर्बाद करता हूँ, जिस दिन शर्त लगती है किसी से तुझे भुलाने की, मैं उस दिन तुझे याद करता हूँ। सबको बताता हूँ कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, जरूर देखेगी। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर एक का कबीना है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट, साफ नजर आता है हवस से भरी हुई। देखो इन्हें ये है ओस की बूंदे। भाई जैसे तैसे अपना वर्कआउट हो चुका है आज का, अब चलते हैं थोड़ा सा जिगर ला के अंदर, थोड़े से प्रैंक करने के लिए अगर पब्लिक होती है तो। ठीक है चलते हैं हम और प्रैंक करने की कोशिश करते हैं आप सबके लिए। भाई अगर कुछ हुआ सीन तो बचा लेना मेरे को, ठीक है। कह रहा हूँ अब यहाँ कहीं देखो जहाँ पे फिंगर फिंगर वालों की भीड़ हो और कोई खा रहा हो लड़का, फ्री में मिलेंगे उसके में से, फ्री में खाएंगे उठा के। भाई कैसा फिंगर, मेरा भाई सारे कितने अच्छे चोर है, ये तो इसे आराम करती है जिसके पास
उसके दांत बाहर निकल रही है, सुबह शाम तक आराम कर रहा है, उसकी हड्डी आराम में आ गई है सुबह से। भाई ये रोएगा, हले भाई के मिशन बहुत तगड़े भाई वाले खत्म कर दिए भाई ने जल्दी। ओ खिला ले तो खा ले जा, ए खा ले खा ले। तो भाई सीन ये है, हमने ट्राई करा आज पब्लिक में प्रैंक करने का, पर दिक्कत ये थी कि हमारा कैमरा उनके मुंह पे दिख रहा था बिल्कुल, लोगों को जब हम प्रैंक कर रहे थे ना उनके मुंह पे सामने दिख रहा था कि कैमरे से शूट हो रहा है, तो इसलिए लोग बहुत अनकंफर्टेबल हो रहे थे, वो खुद ही बोल रहे थे कि भाई वीडियो मत डालना, तो इसलिए हमें ऑकवर्ड लगा। अगर आपको इस सेम टू सेम इस प्रैंक पे पूरी वीडियो चाहिए तो हम ट्राई करेंगे कि पूरी वीडियो ऐसे निकालें हम स्ट्रेंजर ईटिंग फूड वाली, और उसमें कैमरा थोड़ा दूर रखेंगे और बढ़िया तरीके से शूट करेंगे, ठीक है। बाकी हमने ये बस एक छोटा सा क्या बोलते हैं ट्रेलर सा शूट करा था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना कि इस पर पूरी वीडियो बनाओ, तो हम पूरी वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर। बाकी जिम से आया हूँ जस्ट अभी, थोड़ा बहुत खाना क्या बोलते हैं डाइट वेट लेके फिर उसके बाद आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। थक चुका हूँ बिल्कुल, क्योंकि जिम से आते फिंगर खा लिए, और फिंगर खा के तो बस डाइट ली नहीं, फिंगर खा लिए, ठीक है। तो बस मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में, और बाकी कमेंट कर दो प्लीज़ अगर आपको इस चीज़ पे वीडियो चाहिए तो, क्योंकि हम फिर तरीके में दूर से कैमरा रख के शूट करेंगे ऐसी वीडियो, क्योंकि अगर बंदों के मुंह पे कैमरा आता तो थोड़ा से वो जाते हैं अनकंफर्टेबल, लोग खुद ही बोलते हैं कि भाई वीडियो मत डालना, एक बंदे ने बोल भी था तो इसलिए हम थोड़ा सा वो कर दिया, बट डालेंगे हम, ठीक है। जय बाबा की।